दोस्तों बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसे बयान दी ताकि पता चल रहा है कि इस बार आईपीएल अनसर्टेन है। जी हाँ, और वो जो बीसीसीआई की ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि इस बार आईपीएल के रीशेड्यूल के बारे में एक बार भी सोचा नहीं जा रहा है और सोचा जाने का भी कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, और भी क्या कहा गया है, किसने कहा है, कब क्या है, किस कॉन्सिक्वेंस में ये बात आ रहा है, सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रेस लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों बीसीसीआई के ऑफिशियल्स मतलब बीसीसीआई के जो ट्रेजरर है अरुण धूमल जी, उन्होंने कुछ ऐसे बात कही है आईपीएल के बारे में जो सुन के शायद आप अगर आईपीएल के फैन होंगे तो आप श्योर शॉट चौंक जाएंगे। जी हाँ, आईपीएल इस बार अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण आईपीएल का सभी स्पोर्ट्स बंद पड़ा हुआ है पूरे दुनिया भर। और आईपीएल हम तो हर बार देखते हैं, इस बार अभी तक नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग इससे नाखुश होंगे और सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आईपीएल शायद दोबारा खेला जाएगा लॉकडाउन उठने के बाद। लेकिन आईपीएल जब शुरू होगा तब तो नॉर्मल जो आईसीसी का शेड्यूल होता है उस शेड्यूल से खेला जाएगा, तो कैसे शुरू होगा। मतलब हमारे और आपके जहन में बहुत सारे ख्याल आता रहता है जिससे कि हमें लगता है आईपीएल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बीसीसीआई के जो ट्रेजरर है अरुण धूमल जी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे कि पता चलता है कि आईपीएल शायद इस बार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा आईपीएल के रीशेड्यूल को लेकर, और उन्होंने कहा कि ये आईपीएल का 13वीं सीजन है और ये सीजन रीशेड्यूल करने की बात बहुत सामने आए हैं, लेकिन ये रीशेड्यूल अभी तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि अभी जो दुनिया जिस कगार में है, हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, हम आईपीएल का किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि आईपीएल में फॉरेन खिलाड़ी वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, आईपीएल में बहुत पैमाने में दर्शक इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस समय या फिर इस हालात में सिर्फ आईपीएल या फिर क्रिकेट ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक शॉकिंग सी बातें होगा। इसके साथ साथ उन्होंने और भी ऐड किया कि बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं लेकिन अभी जो वीसा रूल है इंडिया की, तो उसके चलते कोई भी फॉरेन खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे आईपीएल में खेलने के लिए। और आईपीएल अगर एम्प्टी स्टेडियम में खेला जाएगा तो सभी का लॉस हो सकता है और आईपीएल अपना चार्म लॉस कर सकता है, तो ये ह्यूज लॉस होगा, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा लॉस हो। तो रीशेड्यूल के बारे में अभी तो कोई पॉइंट नहीं है सोचने का, अगर कोविड-19 ये सब कुछ ठीक हो जाता है तब अगर टाइम रहता है तो हम सब लोग सोचेंगे, सोचकर हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार आईपीएल ऑर्गेनाइज होगा या फिर नहीं होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए कि इस चैनल में आप और कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।